तो भाइयों और सब आप कैसे हो। ये हमारे पास आ गई i20 पुरानी वाली है। इसमें हम बकेट सीट कवर लगाने जा रहे हैं। ये कंपनी फिट लगे हैं और बकेट सीट कवर हम इसमें लगाएंगे। तो ये बकेट के लिए सिलाई इसकी ढेरनी पड़ती है। ये सिलाई होती है यहाँ से। ये खाली सिलाई रेड का ये वाला कपड़ा हटा देते हैं पूरा, जैसे मैंने इसका हटाया है। ये पीछे की है, ये भी ढेड़वा। बाकी सीट कवर इसका ये वाला लगना है। अभी तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं लगेगा, बट जब लग जाएगा तब लुक का थोड़ा पता लगेगा कि कैसा आ रहा कैसा नहीं। पहले लगा लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा लुक आ रहा है। तो भाइयों ये इसके अंदर से मैंने क्लिपिंग ये हटा दी है। इसके अंदर यहाँ पे अब पकड़ जो सीट कवर लग गया वो यहाँ पर क्लिपिंग होगा। इसके अंदर रोड़ें डली हुई होती हैं जिसके लिए इसको सिलाई उधेड़ के ये रोड़ें निकालनी पड़ती है। देखें ये सारी मैंने इसकी निकाल दी है। अभी पुराने वाले सीट कवर में नए वाले सीट कवर में डाल के फिर इसको यहाँ पे हम पिने करेंगे, जिससे प्रॉपर बकटिंग होती है। ये देखो इसमें ये लगी हुई है, ये सारी चारों तरफ लगी हुई है, निकालनी पड़ेगी। ये सीट हो गई है कंप्लीट। आज जैन साहब है ना हमारा झुक्की, वो नहीं आया है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। वो छुट्टी पर, उसको सर्दी लग गई है इसलिए वहाँ नहीं पाए। सीट कम्प्लीट हो गई है, दूसरी बाकी दूसरी कर रहा है भाई हमारे। ये हो जाएगी थोड़ी इसको मैं दिखाता हूँ आपको। वो पीछे की भी रह गई है। i20 में ना प्रॉपर ही बकट होती है इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो भाइयों ये अपनी i20 सीट कवर हो गया कंप्लीट, और ये हमने स्टेयरिंग कवर लगाया इसका। स्टिचिंग वाला है, सिलाई वाला, सालों साल चलता है, काफ़ी अच्छा लग रहा देखने में। देखो ब्लैक कलर का बाकी सीट कवर हो गए हैं। ये हेडरेस्ट है और बाकी ये मैट डाले हैं बस, और पीछे के ये लगे हैं। तो भाइयों इसमें सारा काम हो गया, बस एम्पलीफायर भी इसमें लगा हुआ था, थोड़ी तार वायरिंग वगैरह हटी हुई थी तो बस वो ये लगाएंगे। बाकी पुरानी सिस्टम पहले से लगा हुआ है इसमें। 4 चैनल का एम्प है ये, कॉन्नेक्ट का अच्छा एम्प है, बढ़िया लग रहा है, आउटपुट भी अच्छी दे रहा है। वैसे ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 4-5 महीने पुरानी लगा हुआ है। ये पीछे की सीट है भाई, कन्फर्म बिल्कुल ओके, रिपोर्ट हो गया काम। बकट सीट का और i20 ऑल i20 है, और इसकी बेस ट्यूब नहीं चल रही, बस वही चेक कर लिए। एम्पलीफायर मैंने दिखाया आपको, 4 चैनल का लगा हुआ है इसमें कनेक्ट का। ये वाली है कौन सी, वैसे तो अपनी JBL की लगी हुई है, 1150 बूफर लगा हुआ है। बाकी देखते हैं अभी चल नहीं रहा, क्या वायर हटी हुई, क्या मामला क्या नहीं, चेक कर दूँगा अभी मैं। बाकी भाई बेस ट्यूब भी अपनी चालू हो गई, वो खाली वायरिंग ही हटी हुई थी, वो वायरिंग मैंने लगा दी है तो वो भी चल गई है। ये हो गई है और ये स्टेयरिंग कवर लगाया है, वो सिलाई वाला ब्लैक स्टिचिंग वाला है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कम